दोस्तों नमस्कार, मैं आपका भूपेंद्र नारायण सिंह मध्य प्रदेश के एक बड़े सियासी सवाल के साथ आईएनसी टीवी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। वो सवाल है, क्या सिंधिया परिवार मामा को निपटाने में जोर शोर से लग गया है? मामा मतलब शिवराज सिंह चौहान। इस सवाल के तमाम पहलुओं की पड़ताल से पहले सुनिए ज्योतिरादित्य सिंधिया की सगी बुआ और शिवराज सरकार में खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया का ये बयान। खेल में नौकरी, कल कारखाने ऑफिस दफ्तर में नौकरी नहीं, खेल में नौकरी। शिवराज सरकार पर यशोधरा राजे के इस कटाक्ष को संपूर्णता में समझने के लिए उनके उस बयान पर जरा गौर फरमाइए जो उन्होंने मध्य प्रदेश के विधानसभा में लिखित तौर पर अपना जवाब दिया है। अब तक मौजूद आंकड़ों के हिसाब से राज्य में 39 लाख युवा बेरोजगार हैं, जबकि 2020 से अब तक 21 युवाओं को मध्य प्रदेश में सरकारी जॉब दी गई है। शिवराज सरकार के 3 साल के कार्यकाल में 21 लोगों को सरकारी नौकरी, और अब शिवराज सरकार से खेल के क्षेत्र में नौकरी की संभावना तलाशने के नाम पर कटाक्ष। जिन जगहों पर सही मायने में युवाओं को नौकरी दी जा सकती है वहां नौकरी नहीं, और जिस खेल के क्षेत्र में सरकारी नौकरी की कोई संभावना नहीं वहां पर सरकारी नौकरी का प्रस्ताव, यह है मध्य प्रदेश का हाल। यशोधरा राजे के इस उलट बांसी को समझने के लिए सिंधिया परिवार के पारिवारिक और राजनीतिक इतिहास पर आप अपनी जरा नजरें इनायत करिए। यशोधरा राजे सिंधिया ज्योतिरादित्य सिंधिया की सगी बुआ हैं और ये शुरू से कमल की कृपा पात्र रही हैं। उनके भतीजे ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस से विश्वासघात करके जब बीजेपी पार्टी में पहुंचे थे तो शिवराज सिंह ने उन्हें विभीषण की उपाधि से विभूषित किया था। जाहिर है सिंधिया परिवार को मामा की तरफ से दी गई विभीषण की उपाधि पसंद नहीं आई। वैसे भी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का साथ देने की वजह से सिंधिया परिवार को अक्सर इस उपाधि से सुशोभित होना ही पड़ता है। खैर, लौटते हैं मूल मुद्दे पर, अपने अहम सवाल पर, क्या सिंधिया परिवार शिवराज सिंह चौहान को निपटाने में जोर शोर से लग गया है? यशोधरा राजे के इस कटाक्ष के अलावा इस बात को और बल मिल रहा है बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के सियासी फैसलों से। कमल के कर्णधार जिस तरह से अपने केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को मध्य प्रदेश के चुनावी मैदान में उतार रहे हैं, उससे अब यह साफ हो गया है कि मामा के अब दिन लद गए हैं, यानी शिवराज सिंह के दिन लद गए हैं। अब यहाँ एक दूसरा सवाल उठ रहा है कि क्या बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के इशारे पर सिंधिया परिवार शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साध रहा है? सवाल कुछ और भी हैं, लेकिन जवाब जिस महापुरुष के पास है वो अभी जुमलेबाजी में व्यस्त है। इंतजार कीजिए दोस्तों, जल्दी ही इस राज पर से भी पर्दा हट जाएगा। वैसे इस पूरी कवायद से एक बात तो साफ है कि अब की मामा तो गयो। नमस्कार।